नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहों में राजा है और ज्योतिष शास्त्र में ये बातें कही जाती हैं कि जिस व्यक्ति के भी कुंडली में अगर सूर्य सही हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसका जो समय होता है वो राजा के समान होता है। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है, वो स्वयं से संघर्ष करके हर परिस्थितियों में अपने आप को संभालने वाला होता है, अपनी पर्सनालिटी को दूसरों के सामने निखारने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं वो करते हैं और बुद्धिमत्ता का उसके अंदर भंडार होता है। जी हाँ, तो आज कुछ जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य जो आत्मा और प्रत्येक मनुष्य के अंदर कॉन्फिडेंस के कारक हैं, ये 17 अगस्त को प्रातः 7:23 से लेकर के 17 सितंबर तक जो है अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र वालों के लिए कितना पॉजिटिव है, देश दुनिया समाज के लिए कितना पॉजिटिव है और किस किस प्रकार के कर्म क्षेत्रों के लिए लाभकारी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा और साथ में कुछ उपाय भी आपको अवश्य बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो सिंह राशि इनकी स्वयं की राशि होती है, लेकिन जब ये सिंह राशि में रहेंगे तो यह 7वीं दृष्टि से कुंभ राशि को देखेंगे। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, ऑलरेडी शनि जो है मकर राशि में वक्र अवस्था में चल रहे हैं, तो यह कन्फर्म है कि शनि और सूर्य में मित्रवध संबंध नहीं है। अतः जिन व्यक्तियों का भी कुंभ राशि है या कुंभ लगन है, आप लोगों के मन में थोड़े हेडेक बढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि शत्रुगत राशि है, लेकिन अगर आप अपने मन में शांति रखते हैं तो लाभकारी स्थितियां ही मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि सिंह राशि में सूर्य जा रहे हैं तो देश दुनिया समाज में सरकारी परिस्थितियों में सुधार आएगा, एक दूसरे देश के प्रति थोड़ी सहानुभूति की भावनाएं देखने को मिलेंगी। हालांकि हर देश एक दूसरे के प्रति अपने आप को बड़ा साबित करने का कोशिश करेगा, हर देश के राजाओं के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है राजा का सीधा कारक होता है, शेर है ये, शेर तो किसी से डरता नहीं क्योंकि वो भी जंगल का राजा है। इसके अलावा जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो जो भी व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में है, जो भी व्यक्ति खेलकूद से रिलेटेड है, खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, फौज में हैं, राजपत्र अधिकारी हैं, केमिस्ट हैं, सर्जन हैं, सुपरवाइजर हैं, प्रबंधक हैं, मेडिसिन से रिलेटेड काम में हैं, मेडिकल से रिलेटेड काम में हैं, होटल से रिलेटेड काम में हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम में हैं, शोधकर्ता हैं, जासूसी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं या कांच किस रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, जो व्यक्ति क्लोथिंग यानी कपड़े का काम करते हैं और जो व्यक्ति किसान से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए 1 महीने का समय ईश्वर की कृपा से अत्यधिक लाभकारी और उन्नति कारक सिद्ध होने वाला रहेगा। अतः मैं यही बोलूँगा कि जो जो व्यक्ति इन क्षेत्रों में है, आपको अपने जीवन में थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त पे किया गया संघर्ष का ही परिणाम सही समय पे मिलता है, क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जब सूर्य सिंह राशि में जा रहे हैं तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और साथ में मैं आपको यह भी जानकारी दूंगा कि आपको कौन सा उपाय भी करना चाहिए। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले, आपके जीवन में सर्वप्रथम बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी, लव रिलेशन में बहुत ही बेहतर सुधार देखने को मिलेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, संतान की तरक्की, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज, जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी शिक्षाएं पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी, भूमि मकान वाहन का अचानक लाभ देखने को मिलेगा, माता से सुखों में वृद्धि हो जाएगा, सामाजिक ख्याति में आपकी वृद्धि चालू हो जाएगी, इसके अलावा प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ोतरी के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे, किसी सरकारी तंत्र द्वारा आपको परेशान किया जा रहा था या आपकी सरकारी नौकरी छूट चुकी थी उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी, धन का लाभ चारों तरफ से देखने को मिलेगा, धन संचय जो नहीं हो पा रहा था धन संचय चालू हो जाएंगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ने लगेंगी। हालांकि बड़े भाई बहनों से और चाचाओं से रिश्तों में आपको थोड़ा सा तल्खी आ सकती है, तो इसमें आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है
आपके आय के 3-4 स्रोत खुलेंगे और कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे तो वह भी निकलने की संभावनाएं बढ़ने चालू हो जाएंगी। कई कार्य में आपकी बुद्धिमत्ता प्रॉपर काम नहीं कर पा रही थी तो वह प्रॉपर काम करेगा। बड़े इन्वेस्टर आपके जीवन में आने को दिखेंगे और अपने जीवन में नौकरी में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं, या पुराना कोई पेंडिंग जॉब पड़ा हुआ था गवर्नमेंट से रिलेटेड तो उसका न्यूज आपके लिए बेहतर आ सकता है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन घर से गुड़ खा करके निकलिए, बहुत ही बेहतर आपके लिए रहेगा मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो अचानक भूमि मकान वाहन का लाभ मिल जाएगा। कोई प्रशासनिक अधिकारी, सीनियर अधिकारी, पॉलिटिशियन या कोई भी शत्रु आपको, जो आपसे सीनियर है, जो आपके कर्म क्षेत्रों में आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो आपको दबाने का प्रयास कर रहा था, वह ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएंगे, नहीं तो आपकी प्रमोशन होकर के वो आपसे लोवेस्ट पे चले जाएंगे। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य में कुछ खराबियां हैं, उसमें तो सुधार होगा, लेकिन पिता से मतभेद से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। समाज में आपकी ख्याति बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। अगर आप प्रशासनिक या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या किसी भी कर्म क्षेत्रों में हैं, अचानक ग्रोथ देखने को मिलेगा। माता की संपत्ति का बेहतर लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेगा। बुरे से बुरे वक्त में आपके खुद के परिवार वाले आपको सपोर्ट करना चालू कर देंगे, जो जल्दी नहीं मिल पा रहा था, खास करके फीमेल को यानी महिलाओं को। इसके अलावा सरकारी तंत्र से लाभ मिलेंगे, सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। तृतीय संतान की तरक्की के अवसर खुलेंगे, या तृतीय संतान के उत्पत्ति के प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड गुड न्यूज की संभावनाएं बनेंगी। गले के रोग, चेस्ट के रोगों से आपको राहत मिलेंगी। सिर दर्द, पेट दर्द के रोगों से भी आपको राहत की संभावनाएं मिलेंगी। नेत्र संबंधित रोगों से भी संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। रिश्तेदारों से कुछ मतभेद चल रहे थे, रिश्तेदारों से कुछ अस्थिरताएं चल रही थी, कुछ धन लेने के लिए आप प्रेरित थे, वह आपको मिल जाएगा। संतान सुखों की प्राप्ति निश्चित तौर पर है। कोई पुरानी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रहा था, विवाद था आस पड़ोस वाले से या फैमिली में, तो उससे रिलेटेड आपकी संभावनाएं बन जाएंगी। बड़े बड़े लोगों से बहुत ही बेहतर संपर्क स्थापित होगा। बुरे से बुरे वक्त में भी धन की कमी नहीं हो सकती है। फिर भी आप चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना तो प्रत्येक दिन ओम सूर्य सूर्या नमः का 51 बार जाप करके घर से निकलिएगा, बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे स्वयं की राशि में, तो आपके जीवन में पराक्रम में विशेष वृद्धि होना चालू हो जाएगा। पारिवारिक दायित्व के चलते या छोटे भाई बहनों के दायित्व निभाने के चलते जो जीवन में परेशानियां चल रही थी, वह आपके जीवन में कम होनी चालू हो जाएंगी। भाई बहनों के द्वारा मेंटल टॉर्चर चल रहा था, फाइनेंशियली टॉर्चर चल रहा था और आप उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, वह परिस्थिति ठीक हो जाएगी। आप घर से या भाइयों से अलग होकर के एक नया व्यापार का शुरुआत करना चाहते हैं, उसमें भी राहत के सांस देखने को मिलेंगे और छोटी और बड़ी यात्राओं का बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। आप सरकारी तंत्र में हैं लेकिन कोई आपको दबाया जा रहा है और किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी। सिर दर्द, गले के रोगों से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सरकारी कामकाज का बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। पैसे जो सेव नहीं हो पा रहे थे तो पैसे आपके सेव होने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पुराने लव रिलेशन या फिर किसी प्रकार का अफेयर में जो फैक्शन पैदा हो चुका था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, प्रमोशन है, सीनियर अधिकारी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे थे, आप उनके ऊपर इस बार हावी होने वाले रहिएगा। विदेश यात्राओं का योग बनना चालू हो जाएगा। जाने की संभावनाएं पूर्ण रूप में नहीं है, जा भी सकते हैं लेकिन योग बनना चालू हो जाएगा। धार्मिक यात्राओं में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ बड़े आपको सपोर्ट नहीं करते थे, उसमें पिता भी क्यों ना हो, अब आपको सपोर्ट करना चालू कर देंगे और रिश्तेदारों के अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल में भी सुधार देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ है कि धन संचय हो ही नहीं पा रहा था और अब प्रयासरत थे तो धन संचय होने की संभावनाएं भी बन जाएंगी। वाणी में कड़वाहट थी, लोगों को इतना ज़्यादा आप कड़वा बोल रहे थे जो आपके नेचर में नहीं है, आपके फितरत में नहीं है, और लोगों से आपकी जो व्यवहार खराब हो रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। दांतों के रोगों में भी मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा, सिर दर्द के भी रोगों से मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा और ससुराल पक्ष से जो मतभेद की संभावनाएं बढ़ी थी, इसमें कमी आनी चालू हो जाएंगी और विवाह के भी रिश्ते बेहतर आने चालू हो जाएंगे। फिर भी चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, सूर्य को जल देना है लेकिन जल में थोड़ा सा गुड़ डाल देना है प्रातः काल। कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात करूं, जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो आपके ऊपर क्या परिणाम मिलेगा। सिंह राशि वाले, सर्वप्रथम बड़े बड़े डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे थे, बड़े बड़े डिसीजन आप लेना चालू कर देंगे। सम्मान में कमी थी, वह मिलनी चालू हो जाएंगे। पिता से मतभेद भी हुआ, दाम्पत्य जीवन में मतभेद की संभावनाएं भी बनी, पार्टनरशिपिंग में मतभेद की संभावनाएं जो बनी उसमें अचानक से कमियां आनी चालू हो जाएंगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, जीवन साथी से अलग होने तक की संभावनाएं जो बन गई, उसमें भी कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है
धन संचय होना नहीं है, हो नहीं रहा है, धन संचय की संभावनाएं बन जाएंगी। व्यापार नौकरी में बेहतर परिवर्तन के योगों को आप समझना चाहते हैं तो व्यापार और नौकरी में बेहतर परिवर्तन के रास्ते भी आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आप किसी को पसंद करते हैं, उनसे विवाह होने में दिक्कतें हो रही थी तो वह हो जाएंगी। आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन आपका लव लाइफ पूरी तरह चौपट हो चुका था, उसमें सुधार हो जाएगा। अब अपने वाणी के दम पे और अपने कला के दम पे लोगों के बीच में अपना काम को बहुत बेहतर बनाएंगे। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, पॉलिटिशियन हैं या फिर वक्ता प्रवक्ता हैं तो आप में विशेष एक अवसर मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ने का। ससुराल पक्ष वाले आपको डैमेज किए जा रहे हैं वह ठीक हो जाएगा और आप हिम्मत करके उन लोगों की तरफ से प्रॉपर्टी का भी लाभ लेने की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है पेट और पैरों के समस्याओं में कमी देखने को मिलेगा, धन संचय होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात पिता के द्वारा धन की प्राप्ति के प्रॉपर अवसर खुलते हैं, यह बहुत बेहतर है। फिर भी आप चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको जल में थोड़ा रोड़ी डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। सिंह राशि वाले, जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो लग्नस्थ हो जाएंगे तो सर्वप्रथम ये क्या करेगा, जो आपके जीवन में कर्ज है जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, ये कर्ज की मुक्ति करना आप चालू कर दीजिएगा। विदेश से रिलेटेड कॉन्टैक्ट जो आपके खराब हो चुके थे उसमें सुधार की संभावनाएं धीरे 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 बननी चालू हो जाएंगी। केस मुकदमा का जो मन में भय था या हो चुका था उससे रिलेटेड रिजल्ट पॉजिटिव आना चालू हो जाएगा। हालांकि आपके अंदर थोड़ी सी क्रोध अहंकार बढ़ेगी लेकिन पर्सनालिटी को भी यह निखारने वाला रहेगा। बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट होंगे, जिन लोगों से कॉन्टैक्ट खत्म भी हो चुके हैं उन लोगों से भी पुनः कॉन्टैक्ट बनने चालू हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में कलेश देखने को मिलेगा। नए विवाह करना चाहते हैं तो हो सकता है कि सूर्य परेशानी दे। जीवन साथी से तल्ख या मतभेद की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। हालांकि इसके अलावा बहुत पॉजिटिव भी है, कोई सरकारी नौकरी तक छूट चुका था वह लग जाएगा। पार्टनरशिपिंग में मतभेद की संभावनाएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। रोग और शत्रु वापस से भागना चालू कर देंगे। पाचन शक्ति को लेकर के जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, खास करके यूरिन इन्फेक्शन या सेक्सुअल डिजिट की समस्याएं जो चल रही थी उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। अचानक कर्ज जो हुआ या छोटे मोटे केस मुकदमाएं जो हुई वह संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। हालांकि इसके अलावा पिता की तरक्की भी अच्छे हैं, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और बड़े बड़े डिसीजन को आप लेने वाले रहिएगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन को लेकर के परेशानियां दिखती हैं। अगर आप चाहें अहंकार पर नियंत्रण करना तो मैं भी कुछ अच्छा परिस्थिति हो सकता है। चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, प्रत्येक दिन आपको ओम सूर्य सूर्याय नमः का 51 बार जाप करना है, बहुत बेहतर रहेगा। और मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा आलस्यपन को कम करना है और क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है, बेहतर रहेगा। सूर्य अहंकार भी देता है ना मनुष्य को। कन्या राशि वाले, जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो सर्वप्रथम क्या होगा, सबसे पहले जो आय और इनकम आप कमा रखे थे उसको अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे। बहुत दिनों से विदेश जाने की संभावनाओं को लेकर के दिक्कतें हो रही थी, ऑफिस से आपको कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था कि आपको भेज दिया जाए तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा गले के रोगों से परेशानियाँ थी वह ठीक हो जाएंगी। संतान सुखों की प्राप्ति, संतान की तरक्की तो हो रही थी लेकिन एक दूसरे के बीच में तालमेल में जो खराबियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। पिता के जीवन में जो कष्ट है वह दूर होगा। पिता के जीवन में जो कर्ज है उसमें कमी आएंगी। पिता से जो मतभेद की संभावनाएं थी उसमें कमी आनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है विदेश जाने से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी वह सॉल्व हो जाएगा। बड़ा लोन चाहिए यानी बड़ा कर्जा चाहिए वह मिल जाएगा। शत्रुता स्वयं दूर हो जाएंगे। घर के लोग ही जो आपके दुश्मन बने पड़े हुए थे और आप आंख बंद किए हुए थे कि आज वो बदल जाएंगे, कल बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे, अब उनसे निश्चित तौर पर आप दूरी बनाना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है बड़े बड़े डिसीजन लीजिएगा, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा, फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, सिर दर्द, नेत्र रोग, पैरों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसमें कमी आनी चालू हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों से किसी बात को लेकर के, पैसे को लेकर के विवाद था, किस मुकदमा तक की बातें पहुंच चुकी थी, आप उसमें विजयी हो जाइएगा और संतान सुखों की प्राप्ति बहुत ही बेहतर है। चाहे तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी कुछ पैसे आप लगा सकते हैं। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कन्या राशि वाले तो मैं बहुत ही अच्छे उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन जल में डालिए एक लाल पुष्प और दीजिए सूर्य को अर्घ्य। तुला राशि वाले, जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो सर्वप्रथम आपके जीवन में क्या क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला, जीवन में जो ये भावनाएं आई थी कि नौकरी करना है, बिजनेस करना है और नौकरी या व्यापार की ओर आप
चल भी रहे थे, लेकिन हो क्या रहा था कि सिर्फ मेहनत कर रहे थे, आय के स्रोतों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पा रहा था, तो आय के स्रोतों में विशेष वृद्धि की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा था, लेकिन पिता के कर्म क्षेत्रों में आय की संभावनाएं जो नहीं बन रही थी वह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। आपको कहीं बाहर जाना है, आपके पिता सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, वह सपोर्ट करना चालू कर देंगे। शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी, शिक्षाएं पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ आपके जीवन में देखना चालू हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ना था लेकिन नहीं हो पा रहा था, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार के कोई सरकारी तंत्र में आप जॉब कर रहे थे लेकिन आपकी नौकरी को गलत बोल के निकाल दिया गया, आप पुनः उसमें केस मुकदमा में वृद्धि करेंगे। भूमि मकान वाहन का लाभ है, माता से सुखों की प्राप्ति कोई नहीं रोक सकता है, विदेश जाने की संभावनाओं को कोई नहीं रोक सकता है, पति के फ्यूचर को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हैं वह ठीक हो जाएंगे। हालांकि पति से और आपके बीच में थोड़ी सी इमोशनली अटैचमेंट में दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको अपने व्यवहार पे अपने विचार पे नियंत्रण करके रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतों का सामना निश्चित तौर पे हो सकता है। इसके अलावा जो है आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दो तीन बातें हैं, कहीं आपके पैसे फंसे हुए हो निकल जाएंगे। बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति करनी है, उसमें परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई सीनियर अधिकारी या सरकारी तंत्र में जो आपके बड़े हैं, जो आपके ऊपर मेंटली प्रेशर डाल रहे हैं, आप ही के पैसे आपको नहीं दे रहे हैं बोनस के रूप में, पेंशन के रूप में, या जो भी पैसे फंसे होते हैं वह निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। मतलब ये अचानक तरक्की के रास्ते हैं, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशी रिश्तों में भी सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन सूर्य सिंह राशि में जा रहे हैं तो एक तरफ आपको यह भी सिखाएगा कि खुद से लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कि हिम्मत भी प्रदान करेगा, एक बुद्धिमत्ता भी प्रदान करेगा। और संतान सुखों की प्राप्ति के अलावा संतान के फ्यूचर को लेकर के जो मन में परेशानियां चल रही हैं, इसमें भी कमियां देखने को मिलेंगी और परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि बड़े संतान का स्वास्थ्य थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देकर रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रत्येक दिन चाहते हैं कि इसके फल को और बेहतर बनाना 17 सितंबर तक, तो प्रत्येक दिन आपको ओम गिरिनी सूर्य सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करना है। और परिस्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक महीना के लिए दाहिने हाथ में एक तांबे का छल्ला धारण कर लीजिए। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला, प्रमोशन जो रुक चुका था, मतलब प्रमोशन हो चुका था लेकिन रुक चुका था, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। यात्राएं होते जा रही है, ना कोई नौकरी व्यापार में तरक्की हो पा रहा है, ना आय के स्रोतों में वृद्धि हो रही है, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पर बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है विदेश यात्राओं का योग बनेगा, आपके सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे विदेश जाने के लिए, उसमें योग बनने की संभावनाएं चालू हो जाएंगी। माता और पिता दोनों से तालमेल बहुत ही बेहतर, सुधार होगा। प्रमोशन चाहिए लेकिन बार बार एग्जामिनेशन में जो आप फेल हो रहे थे उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ देखने को संभावनाएं बनेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे वृश्चिक राशि वाले आपके लिए यह भी है कि कोई खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद था, विवाद बढ़ेगा लेकिन इस बार निपटारा भी होगा। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बदनाम किए जा रहे हैं लेकिन किसी मजबूरी बस या कारण बस आपको उनके साथ रहना पड़ रहा है, इस बार आप उनको लात मार करके साइड करेंगे और अपना करियर किस प्रकार से देखना है इस ओर आप बढ़नी चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, कि धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, परिवार के साथ हर जगह पर घूमने भी जाएंगे आप, मेंटल पीस, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क, धन की प्राप्ति और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप अपना निखार दूसरों के सामने दिखाएंगे। आपकी क्वालिटी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका व्यक्तित्व लोग देखेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे और अचानक किसी बड़े लाभ की ओर संभावनाएं बनेंगी। भूमि मकान वाहन का लाभ है, संतान से तरक्की के रास्ते अच्छे हैं, पिता आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, माता भी आपको मेंटली फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने वाली रहेंगी। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जल में डाले गुड़ और चढ़ा दे सूर्य को। धनुराशि वाले, जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो सर्वप्रथम आपको क्या फायदा मिलेगा? धनुराशि वाले, सर्वप्रथम ससुराल पक्ष से जो मतभेद हुई, व्यर्थ के किस मुकदमाओं में जो आप फंसे, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की संभावनाएं बनी, दाम्पत्य जीवन में क्लेश की स्थितियां बनी, इन सभी चीजों में अचानक सुधार आना चालू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका जीरो हुआ, रहूं कि नहीं रहूं धरती पे या रहूं कि नहीं रहूंगी इसको लेकर के जो मन में गंदी बातें आ रही थी वह अचानक से दूर हो जाएगा। इसके अलावा जो है प्रमोशन पदोन्नति के अचानक रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होगा, नौकरी जो चली गई थी या व्यर्थ के गलत परेशानियों में जो फंसा दिया गया था इससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ है,
विदेश जाने में जो डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो रहा था या सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे वह हो जाएगा। परिवार के लोग कुछ आपको सरकारी पेपर में सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सिर दर्द, गले के रोग, पेट के रोगों में सीधा राहत मिलेगा। छोटे भाई बहन आपका मिसयूज कर रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे, ठग रहे थे, रिश्तेदार भी इसमें इंक्लूड कर दो तो उससे रिलेटेड भी निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। तृतीय संतान को लेकर क्या बहुत ज़्यादा परेशान थे, वह परेशानियाँ भी दूर होंगी। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी, धन संचय होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और पराक्रमी बनेंगे। हालांकि रिश्तेदारों से मतभेद की संभावनाएं बनेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लोगों से ठगने से अच्छा है कि रिश्ता ही साला खराब हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। इसके अलावा जो है आपके जीवन में कोई सीनियर अधिकारी आपको टॉर्चर कर रहा था, उसकी कहानी खुद ही समाप्त हो जाएगी, या तो आपको सुपर हो जाएंगे या उससे दूर हो जाएंगे या वो आपसे दूर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है, पुराने से पुराने केस मुकदमों में विजय हो रहे हैं और सरकारी कामकाज में प्रमोशन है, खास करके राजपत्रित अधिकारी या पॉलिटिक्स वगैरह में है तो चालू हो जाइए। जो व्यक्ति सिंगिंग वगैरह के क्षेत्र में, थोड़ा सा सावधानी अवश्य रखिएगा गले का। चलिए फिर भी इसके फर्क को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन लाल चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। धनुराशि वाले, मकर राशि वाले, जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो सर्वप्रथम दाम्पत्य जीवन में जो क्लेश की परिस्थितियां आई, डिवोर्स तक की बातें जो पहुंची, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आपको अपने जीवन साथी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, विश्वासिता में कमी आई या फिर उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, इससे रिलेटेड आपकी संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। पार्टनरशिपिंग का तालमेल बहुत बेहतर था, लेकिन कहीं ना तो कहीं आपको दबाया जा रहा था या आपके हक के परिस्थितियों में भी आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था उन लोगों से, इस परिस्थितियों में भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। खराब से खराब दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावनाएं बनेंगी। आप भी अपने कमियों को पहचानेंगे और उसमें सीधा सुधार करने का प्रयास चालू कर देंगे। सरकारी कामकाज का बहुत बेहतर लाभ है। इसके अलावा जो है धन संचय होना नहीं था, धन संचय होना चालू हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है उसमें लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। पेट की समस्या, पैरों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। यूरिन इन्फेक्शन, पेट संबंधी समस्याएं जो चल रही थी उसमें सुधार की संभावनाएं चालू हो जाएंगी, खास करके महिलाओं को जो कुछ दिनों से चल रहा था। इसके अलावा जो है दांत के रोग और घुटने संबंधी समस्याओं में भी सीधा सुधार होगा। पिता की तरक्की के रास्ते अच्छे हैं। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावनाएं बनेंगी। मेंटल पीस मिलेगा, बड़े बड़े डिसीजन लीजिएगा। कुछ लोगों को आप नहीं कुछ प्रश्नों का जवाब दे रहे थे तो टॉर्चर जो किया जा रहा था, अब उनको अपने प्रश्नों का जवाब भी देना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार है, धन की प्राप्ति है ससुराल पक्ष तरफ से, और सेकंड संतान की उन्नति के रास्ते भी अब आप दिखना चालू कर जाइएगा, क्योंकि कुछ दिनों से सेकंड संतान को लेकर के परेशानियां चल रही थी, या उनके सुखों में वृद्धि होगी या कंसीव भी कर सकते हैं सेकंड संतान के लिए। चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, प्रत्येक दिन लाल रोड़ी का तिलक लगा करके घर से निकलिए, बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो सर्वप्रथम आपके जीवन में आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस सीधा बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा सिर दर्द, हेयर फॉल, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आपका क्या है कि प्यार से कोई बात करे, आत्मविश्वास से बात करे तो आप झुक करके अपने आप की पर्सनैलिटी को समाप्त करके झुक करके सामने वालों का हेल्प कर देते हैं, लेकिन इस बार अपने आत्मविश्वास और अपने आत्मबल पे आप लड़ने का प्रयास करिएगा, अपने आप को लोगों के सामने बेहतर प्रेजेंट करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने बिखरेगी, इसके अलावा निखरेगी। इसके अलावा जो है जो लोग आपको गलत समझते हैं उन लोगों के प्रति आपका विश्वास बढ़ना चालू हो जाएगा। डिप्रेशन और तनाव से निकलने की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। व्यापार के क्षेत्र में एक नए तरक्की के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। नौकरी में जो परेशानियां चल रही थी इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में विवाद की संभावनाएं हैं, अलगाव की परिस्थितियां आ सकती हैं, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो व्यक्ति नए विवाह के रिश्तों को लेकर के प्रेरित है, रिश्ते तो आएंगे लेकिन इस समय विवाह को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा संतान सुखों की तरक्की है, सेकंड संतान को लेकर के आपके मोह बढ़ेंगे। इसके अलावा जो है सेकंड संतान के स्वास्थ्य में विशेष सुधार की अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। शत्रु आपसे स्वयं दूर जाएंगे। धन की प्राप्ति होगी। जीवन में मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, लाइफ में कुछ करना है, तो इसमें भी संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है,
पिता आपको सपोर्ट करेंगे, पिता आपकी परिस्थितियों को समझेंगे। हालांकि इन दोनों के मध्य में थोड़ी विवाद की संभावनाएं भी देखने को मिलेंगी। जीवन साथी से तो नहीं लेकिन पार्टनर से बेहतर सहयोग मिलेगा। नौकरी में दिक्कतें आ रही थी तो पुनः उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है अब अपनी बातों पे एक रूपता रह करके लोगों को अपनी फीलिंग समझाने का प्रयास करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज यहाँ पे यह भी रहने वाला है कुंभ राशि वाले कि आप अपने जीवन में अगर वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानियां हैं तो उससे रिलेटेड भी बड़े फैसले लीजिएगा, क्योंकि लग्न पे दृष्टि आपको कॉन्फिडेंस बनाएगा और जीवन के बेहतर फैसले की ओर लेकर के जाएगा। पिता भी आपको बेहतर सपोर्ट करने वाले रहेंगे। हालांकि जीवन साथी की तरक्की और प्रमोशन के योग हैं वो बात अलग है कि दाम्पत्य में भी आधार रहेगा। चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना। प्रत्येक दिन सूर्य को जल देने के बाद पूर्व दिशा की ओर एक शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करना है और उसमें थोड़ा गेहूं भी डाल देना है तो बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा। मीन राशि वाले, जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में सर्वप्रथम संतान सुखों में वृद्धि के अवसर खुलेंगे, संतान के प्रति प्यार बढ़ना चालू हो जाएगा और खुद की रुकी हुई शिक्षाओं में भी आप पुनः प्रयास करके अपनी परिस्थितियों को ठीक करने वाले रहिएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। लव रिलेशन में बहुत ही बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। खुद से अपने वर्चस्व को किस प्रकार से बनाना है, खुद से अपने आप को किस प्रकार से बेहतर करना है, इस ओर भी जाएंगे। दयालु स्वभाव और भावुकता स्वभाव के कारण बहुत लोग आपको जीवन में जो लॉस कर देते हैं उससे रिलेटेड परिस्थितियों में भी सुधार होने की संभावनाएं धीरे 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 बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा धन संचय होगा। विदेशों से रिलेटेड जो भी कॉन्टैक्ट आपके ठीक थे उसमें थोड़ी सी खराबियां देखने को मिलेंगी। व्यर्थ के पैसों को खर्च करने से आप बचिएगा। हालांकि धन के लाभ धन प्राप्ति होगी लेकिन खर्च से आपको बचने की संभावनाएं रहेंगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां जो चल रही थी, पिता से मतभेद की संभावनाएं जो चल रही थी, पिता के करियर में जो परेशानियां चल रही थी, अचानक से इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। प्रेम से विवाह की ओर आपको जाना है तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। लव रिलेशन में बहुत ही बेहतर सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिएगा। आत्मविश्वास आपके जीवन में बढ़ेगा। संतान की फ्यूचर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान कर रहे हैं उसमें भी सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। केस मुकदमाओं से रिलेटेड बाधाएं अगर आएंगी तो उसमें विजय होंगे, हो सकता है कि आने की संभावनाएं बने। और पेट दर्द नेत्र रोग से रिलेटेड समस्याओं में भी सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि परिवार रिश्तेदार के खास करके मामा मौसी रिश्तेदारों से जो मतभेद की संभावनाएं चल रही थीं उन लोगों के द्वारा एक परफेक्ट डिसीजन और परफेक्ट लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और कर्ज की मुक्ति के अलावा जो है आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ना चालू हुआ कि लाइफ में मुझे करना क्या है। और जो लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं या अपने आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा रहे हैं उन लोगों से सीधा दूर होकर के अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा। यही तो है बेहतर आपके लिए सिंह राशि में सूर्य का बेहतर फल। चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन थोड़ा गुड़ का सेवन करिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन जल में डालना है थोड़ा सा गेहूं और सूर्य को देना है अर्घ्य। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव जो ग्रहों में राजा है 17 अगस्त से 17 सितंबर तक जा रहे हैं सिंह राशि में। सिंह राशि का सूर्य शुभकारी होता है इसलिए मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा संपूर्ण जानकारी मैंने दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ में एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता फेसबुक पेज की ओर भी जाइए, उसे भी आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सभी लोगों को शुभकामना है कि लाइफ में आगे बढ़िए, तब की मैं भी आगे बढ़ूँ। धन्यवाद।